के छात्र संघ समेत 5 छात्रों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ठीक है सर, मुझे आपके संज्ञान में लाना है कि संपूर्ण घटनाकाल दिनांक के 29/7 की है, जब सायंकाल 5 बजे लगभग विद्यालय परिसर में भाजपा /RSS/ABBP की बैठक कॉलेज कक्षों में संचालित की जा रही है, जिस पर कॉलेज प्रोफेसर के सहव्यक्ता भी थी। जी सर, और जो इस पे है सर, छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा इसकी प्राथमिकी रिपोर्ट भी आपको दी गई है सर, इसके बावजूद भी अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी आपने सर ले लिया है संज्ञान में, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और ये समस्त हमारे परिवार की तरफ से। बागेश्वर महाविद्यालय में एबीपी द्वारा अपने संघ के लोगों को बुलाकर यहाँ पर गुरु दक्षिणा प्रोग्राम करवाया गया, क्योंकि कोई भी महाविद्यालय में होता है सिर्फ एबीपी या एनएसयूआई के संगठन के प्रोग्राम होते हैं, उसमें चाहे कांग्रेस के तमाम फ्रंटल संगठन हो या बीजेपी के कितने भी संगठन हो, वो लोग कॉलेज में प्रोग्राम नहीं करा सकते हैं। तो हमारे जो अभी एनएसयूआई के छात्र संघ अध्यक्ष हैं, उनने कॉलेज कैंपस में जो निदेशक मैम है उनसे पता किया कि क्या आपने अनुमति दे रखी है, तो नहीं, मैम ने मना किया। उसके बाद इन लोगों ने वहाँ पर बवाल किया। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जो भी वहाँ पर जो दोनों गुटों में जो भी झगड़ा हुआ, उसके बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर थाने में एफआईआर देने के लिए कल से आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोतवाल साहब ने एफआईआर नहीं ली। उसके बावजूद कोतवाल साहब और जो थाने के जो सीओ साहब वहाँ पर थे, उन लोगों ने हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की। सुबह 5 बजे हमारे एनएसयूआई के छात्र संघ अध्यक्ष समेत एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष समेत 5 लोग को यहाँ पर गिरफ्तार कर दिया गया था। उसके बाद हम 6 बजे से कोतवाल में थे, लेकिन हमारी यहाँ पर प्राथमिकता दर्ज नहीं कराई गई, क्योंकि 24 घंटे का इसमें समय होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एसपी कार्यालय में, तमाम हमारे संगठन के तमाम लोग यहाँ पर एसपी कार्यालय में धरना में बैठ गए। उसके बाद एसपी साहब ने भी यहाँ पर हमारा संज्ञान लेते हुए प्राथमिकता दर्ज कराई है, और हम इसमें एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसमें जो आरोप पुलिस पे लग रहा है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल सही नहीं है। इसमें जो ज्ञापन हमें मिला था अभी तक, वो सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ वहाँ घूम रहा था, कोई भी क्लियर ज्ञापन हमें नहीं मिला था। आज मेरे ऑफिस में जो दूसरा पक्ष है उनके द्वारा आके ज्ञापन दिया गया है, और इस ज्ञापन में जो भी उनसे एक्सपेक्टेड है, उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो हमारे द्वारा की जाए।